एंड वोम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे

पाँच लाख सात लाख दस लाख मिल जाए पर वो नहीं मिल पाता वो लोग स्टार्टिंग करते हैं दो लाख से तीन लाख से वो कहते हैं कि यार इतनी फीस वगैरह भरी है तो सबका एक ड्रीम रहता है कि मैं यार जॉब छोड़ो खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं और ख़ुद की ट्रेडिंग करता हूँ फुल टाइम ट्रेडर बन जाता हूँ तो आप उसी एक दौर से गुजरे हैं जहाँ पर आप एक जॉब करते थे आपने वो जॉब छोड़ी फिर फुल टाइम ट्रेडिंग में आए कंटेंट क्रिएशन में आए तो क्वेश्चन ये है कि उस टाइम आपका माइंड क्या था कि क्या वो एक सिचुएशन थी दिमाग में छोड़ू ना छोड़ू जो एक वो पेंडुलम झूलता है डेलेमा होता है उस पर प्लीज़ गाइड कीजिए देखिए आप एक बात समझिए इसको थोड़ा मैं साइकोलॉजी लेवल पे लेके चलता हूँ सी वी आर ऑल नॉट बॉर्न इन सेम सर्कमस्टेंसेस कुछ लोग अमीर घर में आएंगे कुछ गरीब में आएंगे कुछ अल्ट्रा गरीब में आएंगे कुछ मिडिल क्लास में आएंगे तो मैं मिडिल क्लास वाले परिवार में था तो मैं कहता हूँ हमेशा कि मेरी जो रेस स्टार्ट हुई है वो जीरो से स्टार्ट हुई कुछ लोग की माइनस से होगी कुछ लोग की प्लस से होगी मेरी जीरो से हुई है जीरो से ये हुई है कि ठीक है एजुकेशन मिल गई पापा मम्मी ने कुछ पूरा प्रयत्न किया अच्छी एजुकेशन दिलाई इंजीनियरिंग करी एम करी उसके बाद ना मेरे पास ये विकल्प नहीं था कि मैं आ, फ्री बैठ जाऊँ कि मैं कुछ बिजनेस कर सकूं उस टाइम ना माहौल इतना इजी था 2008 की बात कर रहा हूं मैं जब मैंने एमबीए कंप्लीट करी थी तो जॉब वाज दी ओनली टिकट फॉर मी टू डू वेल इन लाइफ तो मैंने जॉब ले ली अब जॉब मेरी स्टार्टिंग जो थी वो करीबन सात लाख रुपए साल की थी जिसमें साढ़े पांच फिक्स था और डेढ़ एट लाख टाइम क्योंकि उस टाइम ना एक्चुअली वर्ल्ड का बेस्ट टाइम था जॉब मिलने का इट वो अगेन लकी प्लेन लकी दो एंड में मेरे को जॉब लगी थी जब मार्केट एकदम पीक पे थी फिर दो आपको पता है क्या yeah, आफत हुई थी तो आ, उस टाइम मुझे जॉब लगी और उस टाइम मुझे रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब लगी एंड आई थिंक मैंने मैंने एक चीज देखी है कि आप है ना आपको जो मिले उसको गाली मत दो आजकल है ना लोग जो जो काम करते हैं ना उसी को गाली दे रहे होते हैं अरे यार मैं तो बेकार है यार मैं तो यार ना मैं यहाँ पे पार्किंग लॉट है मेरा मतलब मैं पार्क होने आया हूँ थोड़े दिन बाद निकल जाऊंगा जब आप इस फीलिंग से काम करोगे तो आप काम कैसे करोगे यार मैंने हर जॉब से जिस काम जिस काम को पकड़ा उसे बहुत प्रेम किया है मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया जो मैं दे सकता था मैंने दिया जो मैं कर सकता था मैंने किया है तो मैं छोटा चाहे छोटी एज का था तो मैं आशीष रेजा जी के साथ काम करता था रेजा जीवल मई शू डायरेक्टली रिपोर्ट टू हिम एंड ही वॉज वेरी यंग डायनामिक एंड तो एक लाइफ में डिसीजन मेकिंग सीखी मैंने उनसे तो ऐसे करते करते मैंने अपने आप को फोकस क्या किया जॉब में ग्रो करने का अब इन्वेस्टमेंट्स के साथ है ना ताल्लुक बहुत शुरू में हो गया क्योंकि पापा हमेशा से इन्वेस्ट करते थे 1981 से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने तो सारे सीजन देखे हुए हैं मतलब सब देखा है स्कैम नाइनटी के बारे में मैं जब उनसे पूछता हूँ तो बोलते बेटा आप सोच भी नहीं सकते हंड्रेड डेज मार्केट्सड वॉर्ड ये हंड्रेड डेज मार्केट्स वर्कोज एट दट टाइम सौ दिन खुले ही नहीं yes, yes, बोलते आज अगर सौ मिनट सौ सेकंड ऐसा हो जाए तो ग्लिच टेक्निकल ग्लिच बीएससी का हो गया था सच हाँ हाँ तो वो सिर्फ बोलते सौ दिन संजय मार्केट नहीं खुली थी और मुझे मेरे ब्रोकर ने बोल दिया था कि आप पहले से अपनी पोजिशन काट दो क्योंकि पता नहीं हो क्या रहा है यू नो वी डोंट नो वट हैपनिंग एंड बड़े बॉयज बिग बॉयज वर प्लेइंग द गेम अब छोटे ओ में काम करने लगा कितना इन्वेस्ट कर लेगा तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया उस टाइम दो ही लॉस्ट मनी आई थिंक एवरीबडी हु वॉज देयर इन द मार्केट लॉस्ट मनी एट दैट टाइम बट ठीक है तो वहाँ से ना इन्वेस्टमेंट का एक माइंड फ्रेम हमेशा से था फिर ना जब मैं एम कर रहा था तो मैंने एक मैजिकल बुक देखी जिसके ऑथर थे वॉरन बुफे अब तब तक उनके बारे में पता नहीं था हमें ठीक है उनको मैंने स्टडी किया पढ़ा समझा दूसरा मुझे कॉलेज के दिन में दिनों में एक टीचर मिले उनका नाम था शिवानंद मंकीकर और शिवानंद मंकीकर बहुत लो प्रोफाइल हैं बट ही ऑल्सो हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ टू थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज ही वॉज लाइक दी अर्ली फाइव परसेंट शेयर होल्डर इन आई एफ एल टेन परसेंट शेयर होल्डर इन तलवलकर्स ऐसे काफी कंपनीज में उनका प्राइवेट इक्विटी था hmm. जो बाद में लिस्ट हुई आके hmm. तो ही वॉज लाइक दी अर्ली ही वॉज लाइक लाकेशो नॉल बट वेरी क्वाइट गाय बट ही टू टीचर्स हमारे कॉलेज के वो प्रोफेसर थे okay. और उनका बेटा था केदार मंकीकर तो शिवानंद सर और केदार सर पढ़ते थे पढ़ाते थे हमारे को और शिवानंद और केदार दोनों जो है सर uh, जो तो वो uh, टैक्सी में आते थे काली पीली में मतलब oh, इतने इतने लो हाँ, इतने लो थे दिखाना ही नहीं चाहते थे कि उनके पास किसी प्रकार की कोई वेल्थ है okay. तो uh, उन्होंने ना हमारे को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिखाया तो दो तरफ हो गया आप एक शिवानंद मंक... शिवानंद मंकी सर वॉज ऑल्सो वेरी वेरी वॉरबूफ स्टाइल okay. लॉन्ग टर्म होल्डिंग गुड प्रमोटर्स जो एक एक वो वो होता है ना हाँ जेम्स पिक करना जैसे आज रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं तो तब से वो हमें सिखा रहे थे कि दस पॉइंटर्स क्या होते हैं इन्वेस्टर तो मैंने क्या देखा कि इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो हमारी बहुत लंबी जर्नी होने वाली है okay. हमारे जीवन में दो करियर बनने वाले हैं एक नॉर्मल करियर बनने वाला है एक इन्वेस्टमेंट करियर बनने वाला है पर हम जो नॉर्मल करियर है ना वो हमारे हाथ में है इन्वेस्टमेंट करियर हमारे हाथ में नहीं है तो मैंने क्या किया मैंने फोकस किया नॉर्मल करियर पे मैंने ज्यादा निवेश किया अपने आप पे लोग आज मुझसे पूछते हैं सर मेरी पच्चीस की सैलरी है तो मैं कौन सा एसआईपी करूं मतलब मेंटल एस आई पी करो मैं, ला, मैं ला, पर तो दिमाग पर पैसा डालो अपने माइंड को क्लियर यू नो ग्रो करो क्योंकि इससे अच्छे रिटर्न नहीं है ना आज अगर आपकी तंखा पच्चीस है अगर आप अच्छा कर लेते तो अगले साल पचास हो जाएगी पर 25000 का पैसा डाला हुआ अगले साल 50000 स्टॉक मार्केट में नहीं होगा दर इज नो मतलब इज नो गारंटी एक आधा साल हो जाएगा बट देन इन ओवर लॉन्ग टर्म देर इज नो गारंटी ऑफ दैट पर आपने जो बेस चेंज कर लिया 50000 का अब अगला बेस आपका 50000 से लाख होगा लाख से डेढ़ लाख होगा ऐसे होगा तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप यंग हो तो पहले आप अपना एक्टिव इन्वेस्टमेंट करो फिर है ना मेरे फादर अगेन इन्वेस्टर थे हम बहुत फ्रूगल थे हमारे पैसे ही नहीं थे तो फ्रूगैलिटी ना खून में बसी हुई थी okay. मेरे ना अगर मैं कहूँ तीन ग्रोथ इंजन रहे लाइफ के एक पर फ्रूगैलिटी रही है कि मेरे पैसे बहुत आ, सोच समझ के खर्चा था hmm. कंजूस नहीं था आर आई ड्रिवन था हाँ आर ड्रिवन था कि जो मुझे चीजें खुश करती थी उस पर खर्च करता था right. या फिर जो मुझे चीजें फायदा देने वाली थी उस पर खर्च करता था आर ओआई ड्रिवन अप्रोच थी हमेशा से सेकंड मेरा पिलर था कि मैं हमेशा सेकंड इनकम बना के रखता था okay. तो मैंने जैसे अगर मैं काम भी कर रहा हूं तो मैं टीचिंग करता था साथ में आईएमएस में पढ़ाता था महीने का बीस वहां से कमा लेता था पैंतीस चालीस जॉब से कमा लेता तो मेरे पास एक साइजल कॉर और तीसरा इंजन था इन्वेस्टमेंट तो ये तीन चीजें मैंने करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा दूसरा मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी है मुझे टीचर बनना है पर उस दिन मेरे पास टीचर बनने का विकल्प नहीं था बिकॉज आई हैड टू डू अ जॉब टू मेक मोर मनी बिकॉज टीचर्स वर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ मनी एट दैट टाइम आज तो टीचर्स बहुत पैसा कमा लेते हैं यार तब नहीं कमाते थे अब डिजिटल है आप ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हो आपको पेमेंट ऑनलाइन हो जाती right. है बहुत कुछ हो रहा है ना दो right. में सब नहीं था तो एट दैट टाइम चूजिंग अ टीचिंग करियर वॉज वेरी रिस्की तो घर से भी प्रेशर था नहीं बेटा थोड़ा टाइम कॉर्पोरेट कर लो ये कर लो तो बट मेरा मन नहीं था कभी भी मेरा था कि यार मेरे को टीचर बनना है पर चलो ठीक है अब काम पकड़ा है तो उसको खराब नहीं बोलेंगे पापा हमेशा सिखाते थे जबान पर सरस्वती होती है तो मत करो ये सब गलत बातें मत करो तो मैंने यह ठान लिया कि अपन जो है कुछ सालों में रिटायर होंगे मैंने टारगेट रखा था कि 40 के आसपास अपन रिटायर हो जाएंगे वैन यू से रिटायर अच्छा मुझे फायर वायर का कॉन्सेप्ट नहीं पता था मुझे था रिटायर होना जैसे मेरे फादर बोल रहे थे मैं अब चार साल में रिटायर होने वाला हूँ पांच साल में होने वाला मतलब रिटायर का मतलब क्या मतलब काम नहीं करना पड़ेगा मतलब फिर पैसे कैसे आएंगे बोले इनफ होगा पीछे पेंशन होगी इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो मैं समझ गया कि इन्वेस्टमेंट कॉर्पस क्रिएट करना है तो मैंने यह बनवास निकाला चौदह साल का ठीक है कि चौदह साल मैंने जब कंप्लीट किए तो चौदह साल के एंड तक मैंने इतना कॉर्पस बना लिया था कि अब मेरे को जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने की जरूरत है ठीक है मर्जी से करूं मस्ती से करूं मन से करूं अलग बात है तो वो मैंने चौदह साल के बनवास में कहता हूं जैसे राम भगवान का चौदह साल का बनवास था मेरा भी वो चौदह साल का बनवास था कॉर्पोरेट बनवास था पर उस चौदह साल में जैसे श्री राम ने भी बहुत चीजें सीखी मैंने भी, भी बहुत चीजें सीखी या उन्होंने बहुत एक्टिविटीज़ की मैंने भी बहुत करी तो वो मेरे चौदह साल बहुत अच्छे गए पर मैं बहुत क्लियर गोल के साथ था कि मैं बाय द एज ऑफ फोर्टी आई वुड रिटायर अब क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं मैंने दो चीजें उसके लिए करी एक था कि मैंने अपने आप पर इन्वेस्ट किया मेरी सैलरी बढ़ाई सो आई स्टार्टेड एट सेवन लैक्स पर एनम फाइव सिक्स आई रीच टू फोर्टी लैक्स पर आनाम हाइपर ग्रोथ हाइपर ग्रोथ सिर्फ अपने स्किल्स के बेसिस पे इतनी वैल्यू क्रिएट करता था कि चालीस लाख ,00 देने वाले को परवाही नहीं थी कि चालीस लाख दे, ,00 दे और उसके बाद भी ग्रोथ करी एंड आई एंडेड माई करियर एट ऑलमोस्ट अ करोड़ रुपए सैलरी तो फिरुण। फिरुण। पर आना पर आई थिंक यू बिकम लाइक द टॉप जीरो समझ लो आठ एक लाख नौ लाख रुपये महीना आपको ग्रॉस है मतलब छह सात लाख आपके नेट आ जाता है मोटा मोटी तो इस लेवल्स की इनकम मैंने ड्रॉ करी वो क्यों करी क्योंकि मैंने अपने आपको इंप्रूव किया जिस स्किल में मैं था उसमें इंप्रूव किया मैंने असेसमेंट uh, में स्ट्रेटजी में फाइनेंस में एनालिसिस में अपने आपको बेस्ट कर दिया तो ठीक ठाक पैसे बन पैसा यस हार्डवर्क तो अरे हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं भाई ये जो <laughs> सोच रहे हैं सिर्फ टाइम पास करके काम कर लेंगे इट वेरी डिफिकल्ट इट हैपेंस आफ्टर सम ईयर्स फोर फाइव ईयर्स तक आपको पहले खटना पड़ता है <laughs> किसी को भी खटना पड़ता है तो uh, ये हुआ तो मेरा बहुत क्लियर कॉन्शियस था कि मेरे को बाय द एज ऑफ फर्टी रिटायर होना है तो ये जो मानसिकता मैंने डेवलप करी इस वजह से मैंने फ्रगैलिटी रखी मैंने यूजलेस चीजें नहीं जब मैं मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता था मैंने होंडा सिटी ली तो मैंने अपने पैसे बचा लिए अब मेरे जो दोस्त लोग थे जो मेरे जितने ही अच्छे थे अच्छे स्किल्स के थे अच्छा काम कर रहे वो आज भी रिटायर नहीं हो पाए क्यों नहीं हो पाए क्योंकि वो लग्जरी में पैसा डाल रहे थे और मैं अपना समय खरीद रहा था वो लग्जरी खरीद रहे थे मैं समय खरीद रहा था आज मेरे दोस्त जो पाँच पाँच छः छः लाख रुपये महीना कमाते हैं उनके पास सिप करने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि टैक्स कटता है टी डी कटता है फिर घर चलाना है अच्छा आपने अपना लाइफस्टाइल बहुत बढ़ा दिया आप आपने महंगा घर ले लिया महंगी गाड़ी ले ली बच्चों को बहुत अच्छे महंगे स्कूल में डाल दिया अब तो उसको मेंटेन करना है तो यू आर रनिंग ऑन अ ट्रेड बिल तो आप तो वहीं घूम रहे हो ना घं एंड देर मतलब वो वारन गुफे का एक लाइन था कि इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी तो वो वाला थॉट अच्छा वारनगुफे को जो सुन लेना और उसको समझ ले उसके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है पर उसकी बातें ना आधे लोगों आधे नहीं नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों के बिलीफ सिस्टम को मैच नहीं करें hmm. क्योंकि वो सिंपल बात बोल वो सिंपल बात बोल रहा है और उसकी बात लोगों को लगता है नहीं यार कुछ तो ये छुपा रहा होगा कुछ तो इसने ऐसा किया जो ये हमें नहीं बताता वो कह रहे मैं मैंने तो वही कर रहा हूँ यार जो मैं तुम्हारे बता रहा हूँ वही काम मैं कर रहा हूँ सो ओवरऑल टू आंसर योर क्वेश्चन वॉज कि मैंने बहुत फ्रुगैलिटी रखी मैंने इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस किया मैंने अपने आप की ग्रोथ पे हाइपर फोकस किया और बहुत क्लियर गोल रखा मैनिफेस्टेशन पकड़ लो या गोल पकड़ लो mm. या कुछ भी कह लो कि 40 की उम्र तक इतना कॉर्पस हो कि भाई फिर पैसे के लिए काम नहीं करना है मर्जी से करेंगे जो कमाएंगे अच्छा नहीं तो घर एक महीना अगर ये तय कर लिया आज विभोर मैंने कि मैं नहीं काम करूंगा आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी इन दिस वर्ल्ड इट्स ओके

मतलब एक्चुअली क्या ना लोग ये देखते हैं कि आपने 40 पर रिटायरमेंट लिया बट उसके पीछे की जो जर्नी है हाँ। तो वो मेरे पाँव के छाले कोई नहीं देख रहा ना वो ये देख रहा है कि आज तो यार ये सक्सेसफुल हो गया या फिर ये रिटायर हो गया पर जो मेरे पाँव के छाले हैं जैसे वो साइना नेवाल कहती है बात कि मेरे को देख रहे हैं बैडमिंटन चैंपियन बन गई परस हजार घंटे का रूल जो होता है वो फॉलो किया hmm. है चौदह साल कॉर्पोरेट्स को दिया है वैल्यू क्रिएट किया तो कहीं जाके आज बैठ के मैं ये कहता हूँ ठीक है और अपना बिहेवियर इन्वेस्टमेंट का बड़ा कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रखा है तो आज जाके उसका फायदा डन तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अब उस पॉइंट पे आते हैं जिस दिन आपने बिल्कुल जॉब छोड़ने वाले उस दिन क्या माइंडसेट था कि क्या मैं छोड़ू नहीं छोड़ू सेकंड थॉट्स थे क्या मैं मार्केट से कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा आगे की लाइफ क्या रहेगी देखिए अगेन मैंने जब छोड़ा तो मेरे पास कोई कंपल्सिव रीजन नहीं था पैसे कमाने का एज आई एस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रीजनेबली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट सेकंड थिंग का दुविधा सबके मन में होती है आप एक ग्लोरियस करियर लेकर आ रहे हो सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट लेगा तो उस दिन उसको फिर भी दुविधा हो रही होगी क्या करूँ नहीं करूँ करूँ नहीं करूँ वो रहेगा सबके मन में रहेगा बिकॉज इट्स लाइक आपने चौदह साल पंद्रह साल सोलह साल एक चीज़ को दिया है आप रोज सुबह उठे रोज सुबह जॉब पे गए कलीग से मिले इन्वायरमेंट में थे कुछ वैल्यू क्रिएट की लोग मिले बैंकर्स मिले मतलब हर फटर्निटी के लोग आपको मिले आपका एक विजिटिंग कार्ड था उस विजिटिंग कार्ड की एक वैल्यू थी अब अचानक से नो विजिटिंग कार्ड, खत्म हो गया, मिलने वाले नहीं है। मिलने वाला आप कोई नहीं है आप सुबह उठोगे तो अच्छा ठीक <laughs> तो है तो हो हो उससे कई समय पहले आपके पास एक पर्पस होना चाहिए जिंदगी में आप कहते हो तो मुझे सोशल वर्क करना है आप सोशल वर्क करो आपको लगता है नहीं यार मैं तो जैसे मैंने सोचा टीचिंग करना चाहता हूं तो मैं टीचिंग कर लेता हूं और मुझे पता है कि मैं टीचिंग में अच्छा हूं आने में थोड़ा टाइम लगेगा पर उतने टाइम के लिए मेरे पास रनवे है रीजनेबल रनवे है मैं तो कर सकता हूं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ तो आप जब रिटायर होते हो उससे पहले अपना पर्पज क्लियर कर लो आपको लगता है अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ तो बिल्कुल बनो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए दो साल पहले से प्रेपरेशन चालू कर दो सीखना चालू कर दो उस एनवायरमेंट के लोगों से मिलो एसोसिएशन वैसा क्रिएट करो तो ऑब्वियसली आप रिटायर होकर आपके पास पर्पज हो गया अगले दिन आप बैठोगे टर्मिनल पर भैया आज सुबह सवा नौ से बैठेंगे और साढ़े बजे उठेंगे यहीं पर चाय पियेंगे खाना खाएंगे सब कुछ यहीं करेंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक पीपल वट दे लैक इज अ प पर्पज कि जैसे आप रिटायर होना है रिटायर होना है रिटायर होना, होना है अच्छा उसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूं बहुत हॉलो फीलिंग होगी विभोर अगर लोग रिटायर करके उनके पास पर्पज नहीं हुआ इससे अच्छा तो नौकरी करते रहो भाई चाहे पैसे हो कि नहीं खाली दिमाग शैतान का घर है भाई और वो आपको ही पिंच करता है फिर आप उल्टी पुल्टी चीजें सोचने लगते हो फिर आप घर में तमाशा मचाते हो वो सब मत करो फाइंड योर पर्पज एंड ओनली देन एंड देन फाइनलाइज कि मैं थैंक यू होना चाहता हूँ अच्छा उस पर्पज़ के लिए पहले से प्रिपेयर करो ऐसा hmm. नहीं है कि वो पर्पज़ अचानक से आपने आज बनाया और अब आप सोचोगे आज से हो जाएगा थोड़ा प्रिपरेशन करो उस तरह के लोगों से मिलो उस तरह का एसोसिएशन बिल्ड करो एंड देन यू कैन रिटायर एंड स्टार्ट योर वर्क अभी मार्केट में क्या होता है काफ़ी सारे जैसे हम लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और इनफैक्ट मेरे पास भी कितने एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम में आ जाऊँ सर क्या मैं इतना निकाल पाऊँगा ये वो मतलब क्योंकि मार्केट बुल रन में है बुल फेज में है फिर सब स्कैम 1992 ये वो सब सीरीज देख कर आए हैं तो वो जो एक एड्रलिन रश होता है ना कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही हैं तो लोगों का सबसे पहला सवाल तो यही होता है ये मान लेते हैं एक सात आठ लाख की सैलरीज है ओके अमाउंट इट्स नॉट दैट बैड इट्स नॉट दैट साल का इट्स नॉट दैट ग्रेट बट नॉट दैट बैड यू कैन सर्वाइव विद दैट टेन लैक्स मान लेते हैं चलो तो लोग सोचते हैं कि यार दस लाख की सैलरी है जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाता हूँ तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो रोड मैप नए लोग हो गए या मान लो जो ऑलरेडी तीन चार पाँच साल से जॉब कर रहा है उसके थोड़े जॉब पे भी हाथ सेट हुए कनेक्शंस वगैरह बने तो क्या रोड मैप होना चाहिए या क्या एडवाइस करेंगे आप क्या जॉब छोड़कर फुल टाइम में आज जाना चाहिए इज़ दैट अ वाइड वाइज डिसीजन या नहीं आना चाहिए देखिए मैं आपको इसका क्वेश्चन का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देता हूँ हमें अगर कैचअप खाना है तो कैचप किससे बनता है टमाटर टमाटर से बनता है अगर हमें पनीर खाना है तो पनीर किससे बनता है मिल्क से बनता है तो ये दोनों हो गए रॉ मटेरियल अगर मुझे ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो मेरे रॉ मटेरियल क्या है कैपिटल आपके पास कैपिटल है पहला क्वेश्चन ये हो गया आप कहते हो जी मुझे आज तनखा मेरी पचास हज़ार महीना है सिंपल रखते हैं आप भी जानते हो विभोर कोई कितना बड़ा ज्ञानी आ जाए महीने का दो से ऊपर रिटर्न बनाना 99.9% लोगों के बस की बात नहीं है कंसिस्टेंटली तो बिल्कुल कंसिस्टेंट देखो हम तो कंसिस्टेंटली की बात आप आपको करियर बना रहे हो उसको भाई यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग ट्रेडिंग योर करियर घंटे तो तो काम करो सोलह घंटे तो, तो कहीं और मिलती है तो एक कंसिस्टेंट है ना। आपको अगर ट्रेडिंग कमाना है तो आपको टू से का नहीं लेना चाहिए उसके ऊपर की कृपा है आपकी अजम्पन आपका दो परसेंट होना चाहिए मैक्सिमम आउटर यानी आपको पच्चीस लाख का कैपिटल चाहिए पहले बताओ पच्चीस लाख का कैपिटल है कि नहीं है नहीं है नो प्रॉब्लम फिर भी मेरा सर मेरा तो मन है ट्रेडर बनने का तो बहुत अच्छी बात है आप अभी जॉब मत छोड़ो आप अपने जॉब को बदलो आप अपना एसोसिएशन बदलो अगर मुझे आज पतला होना है जो कि होना भी है तो मुझे अपना एसोसिएशन बदलना पड़ेगा मुझे जिम जाना पड़ेगा ठीक है जब मैं जिम जाऊंगा तो मैं जिम में लोगों को देखूंगा फिट लोग देखूंगा हैंडसम लोग देखूंगा ब्यूटीफुल लोग देखूंगा तो मुझे यार मेरे को भी होना चाहिए ना तो मैं ज्यादा जिम करूंगा मैं ज्यादा right. मेहनत करूंगा मैं ज्यादा ट्रेडमिल पर भागूंगा ठीक है या मैं थोड़ा कम कंपनी बदल गई मेरी कंपनी बदल मेरा एसोसिएशन बदल, बदल गया जब भी आपको बिहेवियर चेंज करना है ना ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजी का गेम है जब आपको अपने लाइफ का गोल बिहेवियर कुछ भी चेंज करना अपना एसोसिएशन चेंज करो बिकॉज यू कैनॉट अचीव समथिंग विच यू डिजायर विद द सेम सेट ऑफ पीपल क्योंकि वो लोग नहीं देखो मैं किसी को खराब नहीं कह रहा आज तक जो लोग आपके साथ थे वो आज की जर्नी के लिए थे पर अगर आप अपनी जर्नी को नया बनाना चाहते हो यू वॉन्ट टू चार्ट टेरिटरीज विच यू हैव नॉट चार्टडर्ड यू हैव टू स्पीक टू पीपल हु वर देयर बिफोर मैं हमेशा कहता हूं कि डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम क्या कहते हैं इफ यू वॉन्ट टू बाय अ रोल्स रॉयस डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम सम्राइविंग मारुति इसका मतलब ये नहीं कि मारुति चलाने वाला खराब है इसका मतलब ये है कि उसने वो जर्नी नहीं जी है जिससे वो रॉल्स रॉयस पे पहुंचा है तो आप क्या करो आप है ना इन सब भूत से हटता है जब मेरे को घर बैठना है मैं घर बैठ के करूँगा आप नहीं कमा पाओगे मैं लिख के एक स्टैंप पेपर पे आपको दे देता हूँ इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ना आपने अभी तक ट्रेनिंग ली है डॉक्टर बनने के लिए पाँच साल की ट्रेनिंग है एमबीए बनने के लिए चार पाँच साल लगते हैं बी करने के बाद तीन साल दो साल लगते हैं इंजीनियर बनने के लिए चार साल लगते हैं उसके फ्लाइट चलाने के लिए पहले आपको पाँच साल ट्रेनिंग करनी है उसके बाद आपको दस घंटे का या हज़ार घंटे का कुछ फ्लाइंग आर्स चाहिए तो यहां क्यों आप कूद के समझ रहे हो कि आप पहले दिन से बटन दबाओगे बाय बटन दबाओगे तो वो ग्रीन हो जाएगा रेड बटन दबाओगे तो वो रेड हो जाएगा मतलब तो कैसे होगा नॉट पॉसिबल चेंज योर एसोसिएशन स्टार्ट वर्किंग विद प्रॉपर डेस्क स्टार्ट वर्किंग विद से क्या कहते हैं आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया आई हो गया उनके डेस्क पे जाओ चेंज योर एनवायरमेंट चेंज वेयर यू एवरी टाइम लिसन टू दो सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन जैसे हमारे ना जैसे स्पिरिचुअलिटी में श्रवणम कहते हैं जब श्रवणम कीर्तनम कहते हैं ना आप कीर्तन श्रवण क्यों करते हो क्योंकि नाउ यू वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद द लॉर्ड है ना कि आप उधर उनके साथ एक कनेक्ट महसूस करना चाहते हो तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो उसको लाइफ लॉन्ग एक गोल की तरह एक बिजनेस की तरह एक व्यवसाय की तरह लेना चाहते हो तो पहले एसोसिएशन वहां कर लो तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन एक ही है कि आप बनो फुल टाइम ट्रेडर उसमें कोई खराबी नहीं है पर प्रिपेयर करो पहले नहीं तो बाद में रिपेयर करने लायक नहीं बचोगे ठीक है तो पहले प्रिपेयर करो और अच्छे से सीखो एसोसिएशन में रहो ट्रेन हो जाओ फिर उसके बाद छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो अच्छा एक तरफ आपकी तंखा आ रही है ना तो तो आप, आपको समझो आप मोतीलाल ओसवाल वहां पे आपको महीने के लाख रुपए तंखा रही है अब आप ट्रेडिंग में चैंपियन बन गए आपके पास 25-30 लाख का कैपिटल है और आप सत्तर अस्सी हजार रुपये महीना बनाने लग गए तो अब आपको पता है डे आई कैन से बाय बाय टू मोतीलाल ओसवाल फॉर फुल टाइम एंड आई कैन स्टार्ट माई ओन वर्क एंड आई विल be satisfied. पर आप ये सोचो कि अभी आप जीरो हो आपके पास नॉलेज नहीं है इंफॉर्मेशन नहीं है किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है कोई एसोसिएशन नहीं है कैपिटल नहीं है चलता हुआ जॉब है और उसको छोड़ के आप इस टेरिटरी में चार्टर करना चाहते हो जहां आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो बॉस दिस इज तो मतलब फिर तो दिस इज नॉट कॉल्ड रिस्क दिस इज कॉल्ड मैडनेस और इंसैनिटी का फिर मेरे पास तो कोई जवाब है मतलब एकदम से स्विमिंग पूल में कूदना बिना स्विमिंग सीखे बिल्कुल और आप सोचो कि क्या कहते हैं ना वो आ, हमारे जैसे अभी एक बार पीछे डिमोनिटाइजेशन तो भी सॉदी इम्पैक्ट की चलती हुई गाड़ी को जब आप बहुत स्ट्रांगली रोकते हो ना तो उसका इम्पैक्ट सब पे आता है इकोनमी पे भी आया उस तो पर भी आ गया आपने अगर, अगर अपना चलती हुई तनखा साठ सत्तर हजार की रोकी तो आपका परिवार चल रहा था आपके पेरेंट्स वाइफ गर्लफ्रेंड बच्चे कोई भी थे वो उस पर निर्भर करते थे आपने वो कट ऑफ कर दिया आपके पास कैपिटल नहीं है आपके पास नॉलेज नहीं है आप उन अपनी वजह से उनको स्ट्रेस में डालोगे मत करो एसोसिएशन बदलो तीन साल दो साल निकालो सीखो जैसे ही आपकी ट्रेडिंग इनकम आपके वहां की तंखा जितनी होने लग जाए देन यू कैन क्विट ठीक है अभी आपने दो तीन कीवर्ड यूज करे थे जैसे एक प्रॉप था हुँ. अभी व्यूअर्स नए हैं ठीक है तो मार्केट में मान लेते कोई बंदा भी बीकॉम पास करके या एमबीए भी करके आया है या बीटेक करके आया है चार 5 लाख रुपए की आसपास उसकी एक नॉर्मल सैलरी लग जाएगी पर एनएम के हिसाब से उसके पास क्या-क्या ऑप्शंस -क्या है मार्केट रिलेटेड जॉब या वर्क से देखिए पहले तो बीकॉम करने के बाद प्योरली मुझे लगता है कि इतना इमीजिएटली जॉब मिलता नहीं आजकल जो मैंने नोटिस किया बॉम करने के बाद अगर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आपको लेते भी है तो ज़्यादातर वो सेल्स साइड पर ले लेती हैं आपको कि अपना माल बेचो माल बेचो आई थिंक uh, किसी को रियली करियर बनाना है अगर वो सीरियस है तो दे शुड डू समथिंग लाइक सी एम टी सी एफ एवल वन ऐसा कुछ एक अटैम्प एग्जाम लेना चाहिए उनको उससे क्या ना उनका एक रुतबा बढ़ जाता है देखिए क्या होता है अगर आपके पास डिग्री uh, तो एक्सपीरियंस uh, नहीं है तो डिग्री लो ठीक है और डिग्री अगर नहीं है तो फिर आप एक्सपीरियंस लो फिर हो सकता है आपको प्रॉप डेस्क में फ्री में काम करना पड़े या बहुत कम तनखा पे काम करना पड़े तो या तो वो वाला जर्नी लो या बोलो नहीं यार मैं बीकॉम के साथ साथ सी एफ कर देता हूं जैसे आपके नाम के आगे सीएफए एल लग गया या सीएमटी लग गया जो टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए होता है तो आपने एक तो रेलिवेंट डिग्री कर ली या रे, रेलिवेंट एग्जाम पढ़ लिया तो थोड़ा आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और फिर मार्केट में आप मोर सेलेबल हो जाओगे देखो आदमी को अपने आप को बेचना है ठीक है अगर वो आई में जा रहा है तो बोलेगा मैं लेवल मैं आपकी रिसर्च डेस्क पे आना चाहता हूँ जब वो रिसर्च डेस्क से घुसेगा तो उसको ट्रेडिंग डेस्क पे जाना इजी है पर अगर वो सेल्स डेस्क पे है तो ट्रेडिंग में आना थोड़ा सा हाँ फिर थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए तो आई थिंक पीपल शुड देखिए अपना गोल जब आप क्रिएट करते हो ना तो आपको उसका जर्नी भी क्रिएट करना पड़ेगा रोडमैप रोडमैप क्रिएट करना पड़ेगा और आप यह समझ लीजिए कि अगर कोई जॉब भी स्टार्ट करता है ना वो पहले दिन एग्जीक्यूटिव ही होता है सीईओ नहीं होता <laughs> वो सीईओ बनता है अच्छा सारे बनते नहीं और जो बनता है उसको भी दस बीस बीस साल तो लगते ही है सीओ बनने सीओ ने भी कभी एग्जीक्यूटिव से नहीं स्टार्ट, कहीं किया, स्टार्ट था। किया और अगर कोई सीओ एग्जीक्यूटिव से नहीं स्टार्ट करेगा वो फेलियर सीओ होगा hmm. आज अगर अजीम प्रेम जी का बेटा भी बिजनेस में आता है तो उसको सबसे पहले एग्जीक्यूटिव रोल ही दिया जाता है ऐसा है। नहीं है कि वो भबूती आ गया टांग पे टांग रख के बैठा कि अब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा मेरा बाप हुआ मैंने जो आपने वर्ड बोला मैंने नारायण मूर्ति की स्टोरी में सुना था उनके बेटे को बुलाया गया था बट थोड़े टाइम बाद ही वापस से नारायण मूर्ति को बुला लिया गया वापस बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू मैनेजलि हमारे जब लीडर्स भी होते पॉलिटिकल लीडर्स भी हो, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जो ग्राउंड उसने ग्राउंड ऑब्वियसली एक बेटर सीईओ बनता है वो आप कोई भी व्यवसाय uh, पकड़ रहे हो खासकर ट्रेडिंग पकड़ रहे हो तो उतना समय उसको दो यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर इन दर्ज वन टू थ्री लाइफ कॉलेज में तो सिखाया नहीं गया तो अब आपको नई डिग्री करनी है और वो नई डिग्री यहां पे क्या ट्रेडिंग में एक ही प्रॉब्लम है वहां पे कोई स्कूल नहीं है जो ट्रेडिंग सिखाता है यहां पे आपको आके मार्केट में बैठ के बटन दबा के ही ट्रेडिंग सीखने मिलती है तो भाई क्यों अपने पैसे पे कर रहे हो किसी और के पैसे पे कर लो पहले है ना गाड़ी भी जब सीखते हो तो अपनी गाड़ी क्यों फोड़नी है पहले अपनी दूसरे की गाड़ी पर एल लगा के सीख लो तो सीखो तो सही यार बिना सीखे मत घुसो ये सीखने का जो एक ड्यूरेशन है कई लोग बोलते हैं कि भाई छः महीना सीखो एक साल सीखो आपके हिसाब से एक एवरेज मब बी टेक वाला है उसको चार्ट बिल्कुल नहीं पता बी कॉम वाला है थोड़ी बहुत फाइनेंस की नॉलेज होगी टैक्स वगैरह की नॉलेज होगी उसने पढ़ा है तो एक एवरेज ड्यूरेशन क्या है कि इतना टाइम तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा चार्ट मार्केट्स फाइनेंस बुक्स वीडियोज में देखिए ये ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है आज अगर मैं कोई स्ट्रैटजी चला रहा हूँ और मैं उसमें भी यूनिक इवेंट्स देखता हूँ जबकि मैं वो स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट पिछले दो साल से चला रहा हूँ असली चला रहा हूं जिस पर पैसा भी बनाता हूं सालाना पैसा बनाता हूं पर जो महीना मेरा लॉस होता है उस वो महीना कुछ सिखा के जाता है ओके okay. कि यार मैंने ना या तो अपना कोई रूल ब्रेक किया है कि मैंने ही अपना रूल ब्रेक कर दिया होता है देखिए हम इंसान है गलती करते हैं right. तो मैंने ही अपना या तो कोई रूल ब्रेक कर लिया या फिर जो मेरे रूल्स में था ये इवेंट ही नहीं था ये इवेंट तो रूल के बाहर आ गया ब्लैक स्वान इवेंट हो गया ब्लैक स्वान इवेंट हो गया ग्रुप डी क्वेश्चन हो गया जैसे हम बचपन में कहते थे कि ऐसा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आपके ट्रेडिंग लाइफ में आते रहेंगे ठीक है क्योंकि मार्केट आपकी नहीं है बाजार से बहस आप कर नहीं सकते बाजार आपकी सुनने वाला नहीं है तो आपको सीखते रहना पड़ेगा एंड द बिगेस्ट टीचर इन दिस गेम विड बी योर ओन ट्रेड्स योर ओन स्ट्रैटजी एंड नो स्ट्रैटी इज परफेक्ट नो स्ट्रैटेजी विल मेक यू मनी हंड्रेड परसेंट ऑफ टाइम इसीलिए स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करना उनको ऑप्टिमाइज करना स्टॉप लॉस रिक्विजेड टाइम पर स्टॉप लॉसेज लगाना और स्ट्रैटेजी के साथ कमिट करना प्रॉब्लम क्या है विभोर आज के दिन में ना सब नॉन कमिटेल हो गए हैं सब बम्बल टिंडर हो गए हैं कि यार सुबह डेट करके आया वापस आया शाम को वापस स्वाइप करके किसी और के साथ जा रहे हैं तो अगर आप स्ट्रैटेजी में भी यही करोगे तो जब तक आप कमिटल नहीं रहोगे बैक टेस्टिंग करते हैं दस दस साल की स्ट्रेटेजी चलाते हैं दो महीना कि दो महीना ड्रॉडाउन आ गया तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है को की तरह देखना है बिल्कुल <laughs> वो क्या कहते हैं किस आई डोंट फियर अ अ पर्सन पर्सन हु किक्स आई फियर अर्सन प्रैक्टिस आपको वही एक किक मारते रहना है मारते रहना है मारते रहना है मारते रहना है दूसरा है अगर आप ट्रेडिंग से जो भी कमाना चाहते हो उसकी सही अपेक्षा रखो डोंट कीप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स एवरी ईयर थ्री एक्स एवरी ईयर फोर एक्स एवरी ईयर कीप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी ऑलवेज इवन आफ्टर मेकिंग मनी यू विल बी इन डिस्ट्रेस कि यार मैंने तो बाईस परसेंट ही बनाया और बहुत खराब बनाया अरे बाईस परसेंट बना लिया भाई यहाँ ट्रेडर साल बाईस परसेंट माइनस पे चलता है हर साल लोग कैपिटल नहीं बचा कैपिटल मतलब तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल है लोगों का रिटर्न ऑफ कैपिटल भी नहीं है उनका पैसा वापस भी नहीं आ रहा है तो आई थिंक ये जो छोटी मोटी चीज़ें एक ट्रेडर अगर अपनी जिंदगी में करता रहे बहुत उछलने की जरूरत नहीं है अपने रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है कंपेरेटिवलीस पॉसिबल है तो लॉन्ग प्लेस करें मतलब डे डे की स्ट्रेटेजीज ये स्कैल्पिंग ये सब मेरे समझ नहीं आता एटलीस्ट शायद मेरा नेचर नहीं है हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर्स का नेचर होता है दे वॉन्ट टू बी एक्टिव मैं एक्टिव नहीं रह सकता मेरी स्ट्रेटेजीज तो ऑलमोस्ट मंथली मंथली होती हैं तो मैं उन पर अलर्ट्स लगाता हूँ आपके साथ आज बैठ के आराम से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ मेरे को कोई परवाह नहीं है मेरे को पता है जिस टाइम अलर्ट लगेगा उस टाइम अपना वो जो भी करना होगा वो कर देगा या मुझे एक्शन लेना होगा मैं ले लूँगा तो आ, मैं आराम से पैसिवली पैसा कमा सकता हूँ क्योंकि इस गेम में जितना आप एक्टिव होते हैं ना उस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ते हैं और ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपके प्रॉफिट का फोर्टी फिफ्टी भी हो जाते हैं कभी ये सभी कहता मैं नहीं कर रहा तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट मेरे प्रॉफिट का दो से तीन रहे और जो हो रहा है वो क्यों होता है क्योंकि लार्ज पोजिशन लेता हूँ बड़ा कैपिटल है दूसरी चीज है कि मैं मल्टी ट्रेड्स नहीं लेता बहुत आराम से शांति से और मेरी एक्सपेक्टेशन वही दो परसेंट मानने की है उससे ज्यादा की है नहीं उससे ज्यादा जो है भगवान की कृपा अपने पर अब दो तरीके से जैसे आपने स्ट्रैटेजी वर्ड यूज करा कि आप एक स्ट्रैटेजी फ्लो में जाते हैं दो अप्रोच हो सकती है आप बताइएगा व्यूअर्स को दोनों में से कौन सा सही है एक अप्रोच है पहले वो एक स्ट्रैटेजी ट्राई करें मान लेते तो कोई भी एक्स वाई जेड स्ट्रेटेजी उस पर पचास सौ ट्रेड लेगा तब जाके पता चलेगा हुँ, हुँ, राइट मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है जो हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं उससे बेटर है रियल ट्रेड लेना चाहे आप दस ट्रेड लो पंद्रह लो बीस लो उसमें आपका एक साइकोलॉजी लगाए तो एक है पहले उसने एक्सवाइजेड स्ट्रैटेजी ट्राई करी सौ ट्रेड के लिए चली नहीं चली उसे पता लगेगा फिर वो दूसरी पर गया फिर उसने ट्राई करा तीसरी करा चौथी करा एक ऑप्शन ये है दूसरा ऑप्शन है कि पहले वो छोटे छोटे ट्रेड्स ले दस 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 से ट्रेड बट आठ दस स्ट्रैटेजी पे फिर उसको नैरो डाउन करे कि ये तीन बेकार हैं ये पांच अच्छी हैं फिर उसको ट्राई करे दस दस बीस स्ट्रेट पे फिर तीन स्ट्रेटेजी पे आए फिर एक या दो स्ट्रैटेजी पर आए दोनों में से कौन सा अप्रोच बेटर है ठीक है ये पॉइंट पे पहुंचने से पहले आपको दो एक पॉइंट पीछे जाना है वो है नो योर सेल्फ ठीक है के वाई सी है ये पहले तो नो योर सेल्फ इसमें के वाई एस हो गया इसमें देखिए लोगों का ना स्वभाव होता है हर आदमी का एक अलग स्वभाव होता है जैसे मैं बहुत पैसिव हूँ मैं बहुत पेशेंट हूँ नेचर में इसलिए मैं एम में पैसा डालता हूँ मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता हूँ मैं रोज की रोजमर्रा की मारामारी में फोकस नहीं करता पर देर आर पीपल हु फाइंड दिस वेरी एक्साइटिंग देखो एक बॉक्सर भी होता है एक गोल्फर भी होता है बॉक्सर के लिए वो रिंग में घुसा वो दो मिनट है उसी में घुसा खाना है घुसा मारना है घुसा खाना है घुसा मारना है कुछ तो करना है और जीतना है ठीक है स्किल चाहिए मैं स्किल को डिनाई नहीं कर रहा स्किल तो बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि जितना आप शॉर्ट ड्यूरेशन के गेम्स खेल रहे हो उतना स्किल हाँ उतना आपको फास्ट होना है और एक गोल्फर है जिसको तीन बार शॉट मारना है और बॉल वहां छेद तक पहुंचानी है वो पहला शॉट मारने को आधा घंटा लेता है अरे हवा कौन सी चल रही है किधर चल रही है कैसे चल रही है उल्टा बैठेगा लेटेगा फिर अपना फर्स्ट शॉट लेगा बिकॉज वो फर्स्ट शॉट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये उसको अपने डेस्टिनेशन के क्लोजेस्ट पहुंचाएगा mm -hmm. दोनों का स्वभाव है अब अगर आप गोल्फर को बॉक्सिंग रिंग में डाल दो और बॉक्सिंग रिंग वाले को गोल्फिंग में डाल दो दोनों मर जाएंगे mm -hmm. वो वहाँ घुसा खा के आ जाएगा ये कुछ भी बॉल घुमाएगा जीतेगा ही नहीं तो पहले अपना स्वभाव जानो आर यू वेरी एक्टिव ट्रेडर आर यू रेडी टू टेक दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस आर यू रेडी टू सी कैंडल्स गोइंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन ग्रेट इफ यू आर मैंने कह रहा खराब है इफ यू आर रेडी टू डू दैट सिलेक्ट द स्ट्रेटेजीज विच रिप्लीकेट दैट ठीक है जैसे स्कैल्पिंग की स्ट्रैटीज हो गई स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटीजीजीजीज mm. हो गई इंट्राडेस्ट स्ट्रैटेजी होगी करो ना किसने ट्राई करने कि से बना के पहले अपना नेचर पहचानो बोलो नहीं संजय जी ये सब नहीं चलता अपन नहीं हैंडल कर सकते मैं तो नौकरी कर रहा हूँ आई कैंट स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम ऑन दिस टर्मिनल आई एम डूइंग अ बिजनेस आई ए फ्री लैसर आई हैव क्लाइंट्स टू अटेंड मुझे नहीं पता होता मैं बारह बजे क्लाइंट से बात कर रहा हूँ जूम कर रहा हूँ mm. या फिर मुझसे फिजिकली मिल रहा हूँ तो आई हैव नो टाइम ठीक है दै देन आर पैसिव यू आर अ गोल्फर देन फाइंड आउट पैसिव स्ट्रैटीज विच वर्क एटलीस्ट फॉर अ वीक मिनिमम फॉर अ वीक कि भाई वीकली बेसिस पे आपने कुछ ट्रेड ले लिया उसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस रख लिए तो पहला जानो अपना स्वभाव ओके okay. और ये अपने आप से पूछो डोंट चीट योर सेल्फ यर बिकॉज ऑफ यू चीट योर सेल्फर यू लूज योर कैपिटल राइट उसके बाद जो आपने पॉइंट बोला वो आता है सेकंड उसमें भी दस स्ट्रेटेजी नहीं तीन स्ट्रेटेजी ओके okay. दिमाग लगाओ रेलिवेंट राइट लोगों को सुनो बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं मैं बहुत अच्छे लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ आप इतना अच्छा बताते हो उसके बाद अपना जैसे दिनेश बहुत अच्छा बताते हैं स्कैल्पिंग के ऊपर स्टॉक बर्नर तो ऐसे हैं अच्छे लोग हैं मतलब और दीपक सर हैं दीपक माल hmm. सर हैं और बहुत अच्छे हैं अभिषेक भी बहुत अच्छा बताते हैं अभिषेक कार तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को उनसे सीखो पहले उनके देखो क्योंकि ये सक्सेसफुल लोग हैं दीपक सर सक्सेसफुल है अभिषेक सक्सेसफुल है आप सक्सेसफुल हैं अपना स्टॉक बर्नर सक्सेसफुल है तो आप इनकी स्ट्रैटजीज देखो आराम से देखो सारे लोग लॉजिकल बात कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो लॉजिकल बात कर रहे हैं फंडी बातें नहीं कर रहे और उनमें से देखो कि हाँ यार ये मेरे नेचर को ये दो सूट कर रही है ये विभोर वाली सूट कर रही है और संजय वाली सूट कर रही है फॉर एग्जाम्पल दोनों स्ट्रैटेजीज को लो उनको अब बैक टेस्ट करो उनको फ्रंट टेस्ट करो बस जैसे सिम्युलेट कर लो सिम्युलेट कर या फिर वो कर लो जैसे पेपर ट्रेडिंग कर लो करो उसमें लगता है यार मेरे को ना विभोर सर वाली स्ट्रैटी बढ़िया लग रही है नीट आ रही है मेरे स्वभाव के हिसाब से भी ठीक है रिटर्न भी ठीक दिख रहे हैं ड्रॉडाउन भी कम है स्टॉप लॉस भी नहीं लग रहा ज्यादा बार और मैं पैसा कमा पा रहा हूं स्टार्ट करो लगाओ अब उसको मल्टीपल टाइम्स करो ऑप्टिमाइज करो अपने लेवल के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो सकता है विभोर थोड़ा अग्रेसिव स्टॉप लॉस लेता हो क्योंकि mm. उसमें दम है क्षमता mm. है आप लोग नहीं यार मैं डरता हूं ठीक है अपने स्टॉप लॉस को उस हिसाब से एडजस्ट कर लो ऑप्टिमाइज करते रहो स्ट्रेटजी को पर अब है ना स्ट्रेटजी मत बदलो अब शादी हो चुकी है अब है ना घर वाली मत बदलो घर वाली को बोलो कि यार ये चीज ऐसे कर लेना हाँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो घर वाली को भी एडजस्ट कराओ आप भी एडजस्ट करो अब बार बार आप घर वाली मत बलो नहीं यार ये वाली अच्छी नहीं लगी यार नेक्स्ट ऐसे नहीं हो सकता फिर आप जिंदगी भर किसी के साथ स्टिक नहीं करोगे चालीस साल निकल जाएंगे कैपिटल जीरो एक साल में हो जाएगा दो साल में जिस हिसाब से आप खेल रहे हो तो बहुत सिंपल है स्टेप वन अपना स्वभाव जानो स्टेप टू स्वभाव के हिसाब से राइट इंफ्लुएंस राइट टीचर्स राइट मेंटर्स पकड़ो ठीक है स्टेप थ्री उनमें से दो तीन स्ट्रैटजीज निकालो स्टेप फोर उन स्ट्रैटीज को बैक टेस्ट करो और उनको पेपर ट्रेड करो स्टेप फाइव अपनी आइडियल स्ट्रेटी ढूंढो स्टेप सिक्स उसको ऑप्टिमाइज करो और खेलते रो, खेलते रो, खेलते रो, खेलते रहो 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 राइट इज एज सिंपल दैट तो सर अब एक चीज समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने इतनी सारी बात करी स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने एक पूरा रोड मैप बना के दिया छह सात पॉइंट्स का अभी सेबी की एक रिपोर्ट आई थी कि भाई 89 परसेंट ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी इन एफएनओ कैश का तो समझ आता है चलो वेल्थ क्रिएशन का काम है आज आप बाय करोगे टी सी एस रिलायंस कभी ना कभी ग्रो करेगा बट इसमें तो एक्सपायरी वाला काम है राइट तो एट्टी ट्रेडर्स फिर भी लॉस कर रहे हैं इतना सारा सीखने के बाद या प्रॉप डेस्क पे किसी कंपनी वगैरह के बाद और स्पेशली इसमें वो लोग होते हैं जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं मोस्ट तीस साल वाले हो गए पच्चीस साल वाले हो गए जिनको एडरलिनस हो जाता है थोड़ा सा कि राइट जब आई पी एल आ है तो ड्रीम इलेवन पे कर लेते हैं वरना मार्केट वगैरह तो चल ही रहा है राइट तो उन चीज़ों को कैसे सही किया जा सकता है या ऐसी कौन सी ऐसी पांच मिस्टेक्स आपको लगता है कि जिसकी वजह से ये नंबर एट्टी नाइन तक पहुंचा है देखिए आपने जो पॉइंट लिया एट्टी नाइन का एक्चुअली ये नंबर नाइन्टी है एक्टिव ट्रेडर्स में तो सेबी की वही रिपोर्ट को जब आप ड्रिल करते हैं उन्होंने बहुत डिटेल मेंसेंट एक्टिव ट्रेडर्स है तो ट्रेडर होने में आपके सिक्स आउट ऑफ हंड्रेड चांसेस के पहले चीज तो मैं इसलिए आपको जैसे अभी भी कहा कि कोशिश करो कि आप थोड़े पोजिशनल ट्रेड्स बनाने सीखो कि जहां पर थोड़ा सा छह सात दिन पांच दिन कुछ तो हल्का सा लॉन्ग टर्म विजन रखो क्योंकि डे इन डे आउट तो फिर वो बॉक्सिंग वाला मैच हो गया और उसमें एक पंच पड़ा तो आप तो नॉकआउट हो जाओगे तो पॉइंट नंबर वन हो गया कोई पोजिशनल से करो सेकंड चीज़ है देखिए कोई भी ट्रेड के ना पांच पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसमें बिग प्रॉफिट हो सकता है विच इज एक्सेप्टेबल स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है विच इज एक्सेप्टेबल ब्रेक इवन हो सकता है विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल स्मॉल लॉस हो सकता है विच इज ओके बिग लॉस सिर्फ एक ही चीज है जिससे हमें बचना है प्रॉब्लम यह है बिग लॉस के टाइम पर लोगों का मेंटल फ्रीज हो जाता है वो स्टॉप लॉस नहीं ले पाते वो होप में आ जाते अरे ये पोजीशन वापस आ जाएगी ये तो ठीक हो जाएगा ये तो ऐसे हो जाएगा और ये सब मेरे साथ भी हुआ है ऐसा नहीं अगेन मैं ये नहीं कर रहा मैं भगवान हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ मैंने नहीं किया मेरे साथ भी ये मिस्टेक हुई है बट यही मिस्टेक हमें ठीक करनी है यही प्रैक्टिस से ठीक होती है एफर्ट से ठीक होती है आपने राइट डिसीजन लेकर ठीक होती है क्योंकि गलतियाँ हम सब करेंगे कोई ऐसी पोजिशन नहीं होगी कोई ऐसा ट्रेड नहीं होगा जो आपको हंड्रेड प्रॉफिट देगा राइट तो ये सेकंड चीज़ है कि ये पांचों आउटकम्स में से बिग लॉस बचाने की हमेशा कोशिश कोशिश करो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है तीसरी चीज है कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप पकड़ते हो उसको डिसिप्लिन तरीके से एटलीस्ट एक साल ट्राई करो प्लीज बी कमिटल टू द द्रेटेजी ठीक है क्योंकि आपने पूछा उसको बैक टेस्ट कर लिया ऑप्टोमाइज कर लिया वहां टाइम ले लो हमारे यहां की कहावत है कि जितना आप प्रैक्टिस में पसीना ज्यादा बहाओगे उतना आप जंग में खून कम बहाओगे तो प्रैक्टिस में आपने पसीना बहाओ पहले आराम से ट्रेड लेने से पहले फाइनल स्टेप इन करने से पहले जो प्रैक्टिस करनी है कर लो फिर वहां जाके एक साल तक इधर उधर मत करो हो सकता है जैसे ही आप घुसो तो लक आपके अगेंस्ट हो जाए और आपका दो तीन महीने ड्रॉडाउन लग जाए पर खेलो क्योंकि वो चौथे महीने से आपको पैसा देगा ठीक है चौथी चीज ये हो गई किताबें पढ़ो किताबें पढ़ो पॉडकास्ट देखो राइट लोगों को सुनो राइट मेंटरशिप लो आ, उस पर भी हम अभी बात करेंगे कौन से किताबें पढ़ सकते हैं मैं कुछ रेकमेंड करूंगा अच्छी किताबें आपको तो चौथी चीज है कि नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेते रहो और अपनी पांचवी चीज है संगति वही रखो जो आपको अचीव करना है आपकी संगति है कि भाई शाम को घूमने जाना है मस्ती करनी है और आप दिन में ट्रेड करोगे ये पॉसिबल नहीं है इसको आपको जीना पड़ेगा इसको आपको वो कहते नाइट स्लीप कोक है ईट कोक है एक कोक की एड आई वैसे ही यू हैव टू स्लीप ट्रेडिंग यू हैव टू लिव ट्रेडिंग अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो ये पांच चीज़ें अगर लोग इसको अवॉइड करें तो डेफिनेटली दे कैन अभी जैसे आपने करियर वर्ड बोला तो मिनिमम कितना टाइम एक आपके हिसाब से आप बोलेंगे न्यू बाय को देना चाहिए ऑप्टिमाइज कि भाई इतने टाइम दो तब जाके करियर के बारे में सोचना उससे पहले नहीं कि एक महीना दो महीना सोचा कि भाई चलो करियर बन जाएगा एक टाइम थाउजेंड डेज लाइफ में कोई भी चीज आपको अचीव करनी है ट्रेडिंग नहीं कुछ भी अचीव करना है थाउजेंड डेज थाउजेंड डेज उल्टा लिख लो और जब तक वो जीरो नहीं होता उस चीज को कंटिन्यूसली 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 विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट करते रहो मतलब ऑलमोस्ट साढ़े साल साल अ लिटिल लेस देन इयर्स इयर्स का का सैटरडे संडे भी करना मतलब हजार दिन है आपके मतलब हजार कैलेंडर डेज है उसमें हो सकता है आपको ट्रेडिंग डेज छह सौ सात सौ सात सौ आठ सौ कुछ mm -hmm. मिल जाए तो ठीक है आप सात सौ आठ सौ दिन ट्रेड तो करो क्या परफेक्ट हो जाओगे यार आप यू विल बी अहेड ऑफ नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड अगर आप कंटिन्यूस सात सौ आठ सौ दिन ट्रेड कर गए मतलब ट्रेडिंग डेज पर ट्रेड कर गए तो योर थाउजेंड डे सिस्टम ये आउटलायर्स बुक में भी लिखा था जो चीज़ आप दस हज़ार घंटे कर लोगे आप उसके सुपर एक्सपर्ट बन जाओ तो सर जैसे अभी आपने बुक्स की बात करी एरा चल रहा है डिजिटल का सब कुछ आप यूट्यूब पर देख सकते हो फटाफट फटाफट एन नंबर ऑफ़ वीडियोज़ है कंटेंट अच्छा है स्टडी मटेरियल वगैरह है तो एक, एक है मैं सौ डेढ़ सौ पेज की बुक्स पढ़ूँ या दूसरी तरफ मैं वीडियो देखूं कोर्स करूं कौन सा बेटर है देखिए फर्स्ट थिंग है कि आपको हमेशा ये कहा जाता था लीडर्स आर रीडर्स तो रीडिंग की एक हैबिट व्यक्ति को होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है मैं खुद भी कोशिश करता हूं दिन के पंद्रह बीस पेज तो पढ़ ही लूँ मैं एटलीस्ट मुकेश अंबानी कहते हैं मैं दिन का सौ डेढ़ सौ पेज पढ़ लेता हूँ तो अगर उतने बड़े आदमी भी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे को देखना चाहिए कि दिस इज पॉसिबल की रीडिंग से एक अच्छा लाइफ बन सकता है बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो सो फॉर एग्जाम्पल ये पॉडकास्ट हो गया ये भी एक नॉलेज बैंक है ऐसे कई सारे और पॉडकास्ट होंगे जो नॉलेज बैंक बनेंगे तो आप ये कर सकते हो तीसरा आप जैसे किसी को भी फॉलो कर सकते हो आपको फॉलो कर लिया मुझे mm. कर लिया जिसको भी फॉलो आपको mm. लगता है यार ये बंदा मेरे को राइट right एडवाइस दे सकता है mm. उसको फॉलो कर लो बट बुक्स का रिप्लेसमेंट मुझे लगता है थोड़ा कम है mm. हाँ एक बुक्स पढ़ने का हैक मैं जरूर बता सकता हूँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते या नहीं पढ़ पा रहे तो एक हैक है मेरे पास मैं भी काफ़ी टाइम ये कोशिश करता हूँ कोई भी बुक है ना आप चार्ट जीपीटी पे जा सकते हैं उस चार्ट जीपीटी से बोल सकते हैं कि मैं ये बुक पढ़ना चाहता हूँ और उसके अंदर के वो 20, की ट्वेंटी थर्टी पॉइंट्स की समरी निकालेगा उस समरी में से कोई एक पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा उसको आप डीप डाउन कर सकते हैं अच्छा इस पॉइंट को मेरे को फर्दर एक्सप्लेन करो इसकी केस स्टडीज़ दो इसमें क्या लिखा है क्या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं क्या गोल्डन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो सारी मेरे को बताओ तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से भी कोई बड़ी बुक को थोड़ा कॉन्टेक्चुअली पढ़ सकते हो बट अगेन वापस मैं बोलूंगा देर इज नो सब्स्टिड्यू टू रीडिंग बुक्स जो मज़ा आपको रीडिंग करके आता है जो नॉलेज आपको आती है जो आप Uh, ए, एक ऑथर जिस तरीके से लिखता है उसको जब आप इंटरनालाइज़ कर लेते हो तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है अब बुक्स में कौन सी बढ़िया बुक है मेरे को जो ट्रेडर माइंड के लिए अगर कोई नंबर वन बुक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट विजर्ड्स है अगर आप मार्केट विजर्ड्स पढ़ लो क्योंकि मार्केट विजर्ड्स इज़ नॉट थियोरटिकल इट इज़ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ ट्रेडर्स तो मार्केट विजर्स रियल लाइफ ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ हैं उनके एक्सट्रीम सिचुएशंस में वो अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं कैसे रखते हैं क्या टेक्निक्स है वो वहाँ पे बताई गई है तो अगर आप ट्रेडर मेंटालिटी से कर रहे हो तो आप मार्केट रिजर्स पढ़ो अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से कर रहे हो वॉरेन mm. बुफे की कोई भी बुक उठा लो कोई भी उसका एनुअल रिपोर्ट उठा लो गोल्ड स्टैंडर्ड है एलमेनैक ऑफ नवल रविकांत उठा लो द पुअर एलमेनैक ऑफ इनका भी है चार्ली मंगर है वो उठा लो और लेटेस्ट में मॉर्गन हाउसल की बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी वो उठा लो इन सब में से कोई भी बुक उठा लो मोटा मोटी आपको सब कुछ सेम कहेगा तीसरा अगर आपको मोटिवेशन के साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए तो टोनी रॉबिन्स कि अनशेकेबल और अविकंद जॉइंट इन बस इन बुक्स के आसपास अगर आप रह गए तो आपका फाइनेंशियल जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी ग्रेट लिस्ट सर एंड बहुत मज़ा आया सुनकर क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट करा था पॉडकास्ट की आपने जॉब छोड़ी फिर उसके बाद कैसे रोड मैप वगैरह बनाया रिटायरमेंट प्लानिंग करी फिर उसके बाद लोगों को गाइड करा कि भाई प्रॉप डेस्क ले लो पैशन को जियो यस राइट कि ये नहीं कि भाई जॉब का मन है तो सीधा फुल टाइम ट्रेडिंग देर आर इन नंबर ऑफ सब्सिट्यूट यस उस रोड में आप तक पहुंचने के लिए गेयर वन में स्टार्ट करो फिर गेयर टू थ्री फोर फाइव बहुत मजा आया एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी मजा आया हो एंड डू फॉलो संजय सर ऑन यूट्यूब एज वेल ही इज पोस्टिंग अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट स्ट्रेटेजीज ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एज वेल राइट अगर uh, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मैं या संजय सर वुड लव टू हेल्प यू थैंक यू सो मच सर वंस अगेन थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू ऑडियंस बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लाफिला